दोस्तों अगर आप देखोगे मेरे पेटीएम अकाउंट में तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40-40 रुपए करके मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम से यहाँ पे कमाया है। थोड़ा अगर नीचे आ जाएंगे तो भी आपको ये 40 रुपए वाला पेमेंट प्रूफ देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर में भी आपको ये 40 रुपए वाला पेमेंट प्रूफ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हो। ये पैसा जो है मैंने कमाया है एक प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके अलावा अगर बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद में देखोगे तो एक और पेमेंट प्रूफ आपको देखने को मिलेगा 10,000 रुपए वाला। थोड़ा अगर ऊपर आ जाते हैं तो फिर से एक पेमेंट प्रूफ आपको देखने को मिलेगा 1,000 रुपए वाला। अगर थोड़ा और ऊपर आ जाते तो फिर से दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक पेमेंट प्रूफ 10,000 रुपए वाला, जो कि आप देख सकते हो पेमेंट प्रूफ यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने में। ये पैसा जो है मैंने कमाया सेकेंड एप्लीकेशन की ओर से। इसके अलावा अगर और बैक आ जाते, ऊपर आ जाते तो ऊपर में आप देखोगे तो 50-50 रुपए करके भी मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स कमाए, जो कि मैंने कमाया थर्ड प्लेटफॉर्म से। ये तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले। तीनों प्लेटफॉर्म एक से बढ़कर एक यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन और घर बैठे ऑनलाइन पैसा यहाँ पे कमाना है। यहाँ पे आप टाइप क्या करोगे, किस लैंग्वेज में टाइप करोगे, तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा ऑल रीजनल लैंग्वेज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप सेलेक्ट कर लो कौन से लैंग्वेज में आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो। यहाँ पे लैपटॉप पीसी का ज़रूरत ही नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी एजुकेशन का ज़रूरत है। किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगने वाला है। विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठे ऑनलाइन पैसा आप यहाँ पे कमाने वाले हो। जैसे दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे 40 रुपए वाले पेमेंट प्रूफ में, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म का नाम, आप देख सकते हो कॉलेज दुनिया। हर एक 40 रुपए वाले पेमेंट प्रूफ में आपको एक कॉलेज दुनिया देखने को मिल जाएगा। एक कॉलेज दुनिया है क्या, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो फर्स्ट में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपको बस उस पर कर देना है क्लिक, वो आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा एक पेज पे, जहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने में यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आ जाते थोड़ा सा नीचे में, और नीचे में आने के बाद में यहाँ पे देखोगे तो टॉप अर्नर जो है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मजे की बात आपको बताओ, छठे नंबर वाला देखो टॉप अर्नर मेरा नाम है आयुष कुमार गुप्ता फ्रॉम BIT सिंदरी। टोटल डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे 620 रुपये अर्निंग टोटल कुछ यहाँ पे आपके सामने में है। इसी प्रकार से जो भी यहाँ पे टॉप अर्नर है उसका अर्निंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रैंकिंग बाय पर मंथ पर वीक कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप कैसे कमाने वाले हो, तो उसके लिए आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर में ही आप देखोगे तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ रिव्यू एंड अर्न अप टू 500 रुपीज, मतलब रिव्यू देना और पर एक रिव्यू पे आपको यहाँ पे 500 रुपए मिलने वाले। किस चीज पे रिव्यू देगा, कैसे रिव्यू देना है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलेज का रिव्यू देना है, जो भी टॉप रैंकिंग का कॉलेज होते हैं उस कॉलेज का आपको यहाँ पे रिव्यू देना है और 500 रुपये पर एक रिव्यू पे कमाने हैं। लेकिन यहाँ पे 500 रुपये हर कॉलेज के बदले आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्कीम है, जैसे नीचे देखोगे तो नीचे में लिखा हुआ है टोटल अर्निंग प्रोसेस। जैसे यहाँ पे देख सकते हो राइट अ रिव्यू एंड अर्न अप टू 200 रुपीस, मतलब पर एक कॉलेज पे आपको 200 रुपीस पर एक रिव्यू पे मिलने वाला है। लेकिन वहीं सेकेंड ऑप्शन आप देखोगे तो फॉर सेलेक्टेड कॉलेज कुछ स्पेशल कॉलेज का लिस्ट है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 500 रुपये मिलने वाला है पर एक रिव्यू पे, जिसका आपको यहाँ पे एक PDF भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे टोटल डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आप देखो स्लाइड करोगे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पर एक रेफर पे भी 40 रुपए मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप अपना लिंक सेंड करोगे किसी फ्रेंड को और वो आपके लिंक के थ्रू कॉलेज का रिव्यू दे देता है सक्सेसफुल, तो भी आपको यहाँ पे 40 रुपए मिलने वाले हैं पर एक रेफर पे, जो कि पेमेंट प्रूफ मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, तो प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको आप एक बार देख लेना। इसके अलावा ऊपर में देखोगे तो एक 3 बार का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना। उसके बाद में आपको ऊपर में लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ज्वाइन अस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट में सबसे नीचे में, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने में एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे बिल्कुल सब बेसिक सा डिटेल आपसे आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी इस टाइप से आपसे मांग रहा, तो आपको कर देना है इसको फिल।
फिल करने के बाद में जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपको फोन पे आ जाएगा यहाँ पे एक ओटीपी जिसको आपको वेरीफाई करने और सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। जैसा ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको कॉलेज का रिव्यू देना है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कैसे आप यहाँ पे रिव्यू दोगे, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके सामने में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉलेज कुछ इस टाइप से। और वहीं क्वेश्चन के नीचे आप देखोगे तो दो तीन पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है आंसर करना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि दो तीन जो पॉइंट है इसको यहाँ पे कवर करते हुए यहाँ पे आपको आंसर करने हैं। इसका आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाएगा, इसी बॉक्स में आपको आंसर दे देना है। उसके बाद में नीचे देखोगे तो नीचे में यहाँ पे रेटिंग है 1 से 10 तक, आपके अकॉर्डिंग क्या रेटिंग आप देना चाहते हो वो रेटिंग यहाँ पे दे देना और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में ऐसे करके आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, सबका सेम तरीका क्वेश्चन पढ़ना, नीचे में 2-3 पॉइंट होगा उसको कवर करते हुए आपको आंसर देना है और फिर रेटिंग दे रहा और यहाँ पे फाइनल अपना रिव्यू को यहाँ पे कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद में आप देखोगे तो आपके सामने में एक पेज ओपन हो जाएगा। एक रिव्यू अगर आप देते हो मिनिमम तभी आपको यहाँ पे रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपना फर्स्ट रिव्यू कंप्लीट किया, उसके बाद में रेफरल लिंक मुझे यहाँ पे मिल गया। तो अब क्या है कि इस रेफरल लिंक को भी आप किसी भी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव या फिर किसी को भी आप सेंड कर देते हो और आपके लिंक के थ्रू अगर वो यहाँ पे रिव्यू को कंप्लीट कर लेता है तो भी आपको पर एक रेफर पे 40 रुपये मिल जाते हैं, जिसका सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। और ज़्यादा डिटेल चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में तो डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है और वीडियो में टोटल डिटेल अर्निंग करके आपको वहां पे दिखाया हूं। बात करें अगर सेकेंड प्लेटफॉर्म के बारे में तो उसका इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहां पे आपको क्या टाइप करना है कैसे टाइप करना है टोटल डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लो कुछ एग्जांपल। जैसे नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद में आपको एक देखने को मिल जाएगा रू है मोहब्बत कुछ इस टाइप से। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखोगे तो सबसे फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे रीड नाउ का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट कर देना इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख लो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है। जैसे इन्होंने हिंदी में टाइप किया, क्या टाइप किया टोटल कुछ आप देख सकते हो। एक पेज में ये भी देख सकते हो कितना वर्ड है, इसी टाइप से आप सेकेंड पेज देख सकते हो, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इस टाइप से आपको भी यहाँ पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है तो आप यहाँ पे किसी भी प्लेस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर कोई भी स्टोरी पे आप लिख सकते हो, चाहे वो लव स्टोरी, कॉमेडी स्टोरी, हॉरर स्टोरी, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और भी स्टोरी कंप्लीट आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे स्टोरी लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो यहाँ पे चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में आप कितना स्टोरी लिखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो टीवी सीरियल का, जहाँ पे आपको स्टोरी एक बार में कंप्लीट नहीं बताया जाता, डे 1 डे 2 डे 3 इस टाइप से आपको कंटिन्यूअस चलते जाता है। तो वैसा ही सेम आपको यहाँ पे करना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस टाइप से आपको यहाँ पे स्टोरी लिखना है। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे टीवी सीरियल में क्या होता है, अगर उसका स्टोरी आप देखोगे तो 5 मिनट का भी स्टोरी नहीं रहता है, लेकिन उसको खींच तीर के कर देते हैं 1/2 घंटे 1 घंटे कुछ इस टाइप से। तो आपको भी अपने वर्ड में यहाँ पे यही सेम चीज़ करना है, जो भी 5 मिनट का स्टोरी है उसको ऐसे लिखना है कि वो लंबा चौड़ा यहाँ पे देखने को लगे, जो कि इन्होंने लिखा है। आप देख सकते हो कैसे इन्होंने कितना गैप गैप दे करके यहाँ पे लिखा है, एक पेज में आप देख लो कितना ही वर्ड है, आपको टोटल कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखना है। लिखोगे कैसे तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा अपना टाइटल, तो आप यहाँ पे अपना सबसे पहले एक टाइटल डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक रात्रि, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद में डायरेक्ट आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना स्टोरी लिखना है चैप्टर 1। इसके लिए आप ऊपर में देखोगे तो कुछ टूल्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसका हेल्प लेकर के आप यहाँ पे अपना स्टोरी को एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जस्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सिंपल सा इस पर क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं। ऐसे करके मैं यहाँ पे स्टोरी आपके सामने में देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में एक पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे टाइटल हो गया,
नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आपसे आपका लैंग्वेज पूछ रहा है, मतलब ये स्टोरी आप जो लिखे हो वो किस लैंग्वेज में है। नीचे में आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी, जहाँ पे हर एक कैटेगरी अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हो। और नीचे में आपको एक और कॉलम देखने को मिलेगा टैग का, यहाँ पे आपको 5 पॉपुलर टैग लगाने आप अपने अकॉर्डिंग, जिसके लिए आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हो या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पे 5 टैग लगाना है, इससे ज़्यादा आपका टैग यहाँ पे नहीं लगेगा। और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे हम लोग यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वैसे ही आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। और नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको एग्री कर देना है। और फाइनली उसके बाद आप इस स्टोरी को पब्लिश कर सकते हो। जैसा ही आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा वो डायरेक्टली रीडर वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो कि आप देखोगे यहीं पे, तो जस्ट इस पर क्लिक करते हो तो वो रिडायरेक्ट कर देगा रीडर वाले एप्लीकेशन पे। तो जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने अभी यहाँ पे स्टोरी पब्लिश किया वो यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो कितना प्रोफेशनल वे में जो भी मैंने स्टोरी लिखा वो यहाँ पे शो कर रहा, मैंने कैसे लिखा था और वो कितना प्रोफेशनल वे में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। टोटल कुछ आप देख सकते हो, आपके सामने में टोटल कुछ यहाँ पे है। तो दोस्तों और ज़्यादा डिटेल चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप जा सकते हो, डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट आपको क्लिक करना, फुल वीडियो वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप टोटल कुछ मैंने वहां पे करके बताया है। बात करें अगर थर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन टाइप भी नहीं करना, जस्ट आपको अपने हैंड राइटिंग से यहाँ पे लिखने और हैंड राइटिंग से लिख करके फोटो क्लिक कर लेना और ऐसे करके सीरीज ऑफ पेज का आपको एक PDF तैयार कर लेना है और उसको डायरेक्टली अपलोड कर देना है ऑफिशियल वेबसाइट पे और भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। और ऐसे करके आप यहाँ पे ऑनलाइन कमाने वाले हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे तैयार करना है अपने क्लास नोट्स। जैसे आप इसके लिए क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो भी आपके स्कूल में या ट्यूशन में जो भी क्लास नोट्स बताए जाते हैं डायरेक्टली उसका फोटो क्लिक करके भी आप अपना नोट्स बना सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से खुद से एक नोट्स तैयार किया जाए तो उसको भी तैयार करके यहाँ पे फोटो क्लिक करके PDF में कन्वर्ट करके डायरेक्टली डाउट नोट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड करना और घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, जस्ट उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इंटरफेस इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सारा डिटेल आप यहां पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद यहां पे आप अपलोड कर पाओगे। अपलोड कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसका सारा डिटेल एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।